आप संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि दिल्ली शराब घोटाले को लेकर आप सरकार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, जबकि आप सरकार एक कट्टर ईमानदार सरकार है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि यह एक ईमानदार सरकार को बदनाम करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं ने कोर्ट के आदेश को तोड़ मरोड़ कर पेश कर आपके सीनियर नेताओं को बदनाम करने की साजिश रची है। सोमवार को मीडिया से रूबरू हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोई शराब घोटाला नहीं हुआ है, हमने पहले ही कह दिया था कि हम एक ईमानदार सरकार हैं, लेकिन कुछ लोग हम पर लगातार भ्रष्टाचार घोटालों के आरोप लगाते रहे हैं। कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है, यहाँ तक सरकारी एजेंसियां ईडी आदि ने भी यही कहा, लेकिन 70 करोड़ रुपए के कोई सबूत नहीं मिला। 30 करोड़ रुपए को लेकर कहा गया कि यह पैसा गोवा चुनाव में खर्च किया गया है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि आरोप लगा कि यह रुपए राजेश जोशी के जरिए गोवा भिजवाया गया है।